हंसराज बड़े खुश नजर आ रहे हो और अभी तो तुम्हारा चेहरा गमगीन जैसा मालूम पड़ रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे चिंता में हो। देवी नारद केनी लगे ही चिंता तो है, चिंता है महाराज। अरे चिंता है दुश्मन की, अगर चिंता है किसी दुश्मन की तो उस पर धावा बोल दी, और अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर को इलाज करवा दी। देवी नारद जब मैंने देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में किया, अच्छा तो देवताओं ने ये कहा था जो इसकी आत्मा बालक पैदा होगा वो तुम्हारा काल होगा। अभी तक कोई पुत्र पैदा तो नहीं हुआ? अरे थोड़ी देर पहले आ जाते तुम तो उस बालक को देख लेती, वो बालक मैंने वापिस कर दिया। मारा वापिस कर दिया? मेरी बात सुनो। बोलो कहिए। ये हमारे हाथ में जानते हो क्या है? ये कमल का पुष्प है, पुष्प है जाकी लला पंखुड़िया ने गिनो तो कितनी है? गिनो एक दो आदमी है। फिर से गिनिए इधर से एक दो तीन चार पांच छह सात। अब ये आदमी हो गई। अब जोरी से गिनो खोपड़ी में घुसी। देव ऋषि नारायण ये समझ में नहीं आ रहा है कमल की पुष्प की हरी पंखुड़ी आदमी और आदमी पहली हुई। बस यही तो बात है, देवताओं ने तुझे आठवें और पहले के चक्कर में डाल दिया। जैसे स्कूल की पहली पंखुड़ी आठवीं हो गई, आठवीं पहली हो गई, उसी प्रकार से देवकी का पहला लड़का आठवां हो सकता है, आठवां पहला हो सकता है, दूसरा आठवां हो सकता है, सातवां तीसरा हो सकता है, समझे? अब मैं एक भी बालक देवकी का जिंदा नहीं छोड़ू। बहुत सुंदर, हम तो जय चाहू। मैं ददू पंडित जी 101 मुद्राएं श्रीमान श्री सुभाष यादव जी लोहा पानी से 101 मुद्राएं भगवान के दरबार में भिजवा रहे हैं। भगवान कन्हैया से कामना करता हूं, भगवान कन्हैया धन के भंडार भरते रहे। लला बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ बैठ। हाँ कहाँ है माइक?
सभी सम्मानित बुजुर्ग महिला व मेरी बहनों को चरण स्पर्श व छोटे भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट शुभम यादव हनी आपके क्षेत्र से शमशाबाद प्रथम पूर्वी से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूं और मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप लोगों ने बहुत प्रत्याशी बनाए हैं, बहुत आप लोगों ने लोगों को चुनाव जिताए और बहुत आप लोगों ने यहाँ पे सबको देखा डटते बढ़ते किसने क्या किया क्या नहीं किया। बस मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि एक बार आप मुझे भी देखिए, सबको देखा बार बार, मुझको देखिए एक बार और इस क्षेत्र की मैं कायाकल्प कर दूंगा, ये मेरा वचन है। क्योंकि जिसका पेट भरा होता है उसे पेट भरने की जरूरत नहीं होती है, मेरा ये मानना है, और जिसका पेट नहीं भरा होता है तो वो अपना पेट भरता है। तो भगवान के आशीर्वाद से और आप लोग सबके आशीर्वाद से मैं और मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत सक्षम हूँ, लोगों ने मुझे भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस केवल आप लोग की सेवा करना चाहता हूँ और आप लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। धन्यवाद। श्रोताओं बोले वृंद भगवान की भागवत महापुराण की और भागवत में शुभम यादव जी की तरफ से 1100 मुद्राएं भागवत में दान हुई हैं। मैं भगवान की रहिया से कामना करता हूं, भगवान धन की भंडार भरते रहे, भगवान की रहिया से कामना करता हूं, भगवान धन की भंडार भरते।